यार ये थोड़ा सा ना वियर्ड टाइमिंग हो गई है इन सारे वीडियोस की। यार जस्ट रियलाइज के कल रात वाला जो था वो आज अपलोड हो रहा है और काफी कंफ्यूजिंग हो गया। 9 मई आज भी चल रही है, तो आपने जो पुराना लाइक जस्ट पिछला वाला वीडियो देखा है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सेशनल की, वो सेशनल अभी तक हुआ नहीं है। दैट सेशनल इज एट 1:30 PM, अभी हो रहा है 11:10 AM। ये वाला वीडियो मैं प्रॉबेबली आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि मुझे भी कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स, वो वाली जो मीटिंग थी जिसकी मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी वो अभी हो गई है। उसके बाद है अब डायरेक्ट सेशन। वैसे तो एक मीटिंग भी बीच में, लेकिन वो वाली मैं अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो मीटिंग बिल्कुल मेरे सेशनल के टाइम पे हो रही है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, तो वो वाली मैं नहीं करूंगा, उसमें मैं किसी और को भेज दूंगा। इन टर्म्स ऑफ हाउ द इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग, द इंडस्ट्री इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल क्योंकि दिस पर्सन नोन एज डैन मैकोवॉय, राइट, एंड ही लेट्स जस्ट से ही इज वेरी गुड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट्स। तो उसके हिसाब से द बुल रन, विच इज वेन अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी, इज सपोज टू कम बैक इन 6 to 18 months। एंड यूजली जब भी आप फाइनेंसिस को देखते हैं द रिटेल इज ऑलवेज द वन दैट गेट्स यू नो स्क्वॉश्ड। तो अगर आपको फाइनेंस के बारे में नहीं पता एंड यू आर रशिंग इन टू लेट्स से डाउनलोडिंग CoinDCX या WZIRX फिर से, एंड दैट मीन्स कि बेयर मार्केट ऑलरेडी चालू ही नहीं, बेयर मार्केट अपने एंड पे पहुंचने वाले क्योंकि अब आप लोग एंट्री कर रहे हैं। आपसे कहीं गुना पहले इंस्टीट्यूशंस जैसे JP Morgan हो गया, राइट, या फिर जस्ट जस्ट लाइक ब्लैक रॉक हो गए, राइट, दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड दे एंटर द मार्केट पहले, दे टेक पोजिशंस, इनिशिएट द बुल रन ताकि प्राइस ऊपर जाए एंड देन दे सेल ऑन यू। दैट्स हाउ द फाइनेंशियल गेम इज प्लेड। अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट में होती है या फिर एक छोटे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से होती है तो उसको हम PR से मार्केट मैनिपुलेशन बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनेबल लाइक अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट। लेकिन क्योंकि दुनिया के इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं तो इसको कोई मार्केट मैनिपुलेशन नहीं बोलेगा। इसको सब लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो TV पे जाके नॉन फाइनेंशियल एडवाइस दी थी और अब लोगों ने पैसा डाल दिया तो मैं क्या करूँ। तो अगर आपको याद हो पिछली बार जब बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा रैली हुई थी या फिर इथेरियम बहुत ज़्यादा रैली हुआ था और फिर क्रैश करा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद है कि शेरू जो है अलीगढ़ का, वहाँ पे लड़के बैठ के सिर्फ पैसा लगाते रहते थे इन्हीं सारे क्रिप्टो एसेट्स में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों लगा रहे हैं, वाई इज़ द प्राइस गोइंग अप, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, लिजिट जुआ खेल रहे होते थे, राइट। ऐसे ही अगर आप अभी गैम्बल फाई को देखेंगे, गैम्बल फाइनेंस को, तो इंडिया के अंदर इस वक्त IPL से ज़्यादा बड़ा सट्टा कहीं नहीं लग रहा है, चाहे वो Dream 11 हो चाहे कुछ भी हो। आप बस इस चीज़ को देखिए ना कि द फैक्ट दैट देर आर सो मैनी कंपनीज यू हैव नेवर हर्ड अबाउट बट दे हैव इनफ मनी कि वो अपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लखनऊ और बरेली और अलीगढ़ जैसे शहरों के अंदर लगा सकते हैं अबाउट फॉर्मिंग अ टीम ऑन देयर प्लेटफॉर्म, उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एडवर्टीजमेंट भी करा सकते हैं और फिर आपको प्रोजेक्ट कराने तक का रेवेन्यू रख रहे हैं और इन्वेस्टर्स में पैसा डाल रहा है। शोज कि अभी गैम्बल फाइनेंस का जो मतलब एक तरीके से गैम्बलिंग का जो नैरेटिव है इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा टेक ओवर कर चुका है। दैट ऑल्सो मीन्स कि दुनिया के इंडिया के अंदर लोग जो है वो कितने ज़्यादा यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटेड दे फील विद देयर करेंट फाइनेंशियल कंडीशंस। यूजली ऐसे वाइसेस जब भी आते हैं इट्स इट्स फॉलोड बाय एन इकोनॉमिक कोलैप्स कहीं ना कहीं। द रीज़न फॉर दैट इज के गैम्बलिंग का इतनी पॉपुलैरिटी इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड फाइनेंशियल प्लानिंग बाई इंडिविजुअल्स या फिर बाई द स्टेट या फिर बाई फैमिलीज इन जनरल। एंड एक बार क्योंकि गैम्बलिंग इसको सबको सॉल्व तो नहीं करेगी, गैम्बलिंग में अगर कोई जीत रहा है तो फिर हजारों लोग हार भी रहे हैं, तो वो लोग जो हार रहे हैं उनके पास अब कोई और एवेन्यू नहीं बचेगा। इट्स गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स, विच मीन्स इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स, विच इफ यू ऑल्सो चेक यू वुड रियलाइज कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं। आई बिलीव मामा अर्थ के सिवा, जो कि मुझे अरसलान ने बताया था, एंड आई थिंक बोट के सिवा कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आई थिंक बोट की प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि दे ऑल्सो मार्केट टू UAE नॉट ओनली इंडिया। तो अगर आप ये सब को देखते हुए देखेंगे तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पीपल आर वेरी वेरी वरिड अबाउट यू नो वेदर मनी इज गोइंग टू गो, सेम केस बिल्कुल US के अंदर रिपीट होता हुआ है। ईद एज अ डिफ्लेशनरी एसेट का जो एक नैरेटिव है एंड ये सब डैनियल मैकोवॉय, फुल क्रेडिट्स टू दैट मैन, इसने रिसर्च करी, ही फाउंड आउट कि JP Morgan का जो हेड है उसने आके बोला कि भाई ईद तो डिफ्लेशनरी एसेट है, ईद इज लाइक इथेरियम ऑफ कोर्स, वो तो डिफ्लेशनरी एसेट है, तो इस वजह से यू नो इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड इन द लास्ट बुल रन,
जब पॉल ट्यूडर जोन्स टीवी पे गया था एंड उसने कहा था कि भाई बिटकॉइन इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी जो है, एंड फिर एकदम से रैली हो गई थी, बिटकॉइन भाई ऊपर ही भागता चला गया राइट। तो बिटकॉइन की रैली तो अभी ऑलमोस्ट चल ही रही है कहीं ना कहीं, लाइक बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी अच्छी खासी चल रही है। इसके बाद इथेरियम की आएगी ना, इसके बाद ऑल्टकॉइन सीजन की आएगी, तब जो इंडिया की फ्रस्ट्रेटेड क्राउड है, यूएस का जो फ्रस्ट्रेटेड क्राउड है, पूरी दुनिया का एक फ्रस्ट्रेटेड क्राउड जो है वो एकदम से कहेगा कि भाई अभी हम तो डिच कर रहे हैं अपने जो करेंसी नोट है, क्योंकि ये तो हमें रिच बना नहीं रहे, तो इसी वजह से अब हम लोग जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कि हमें रिच बनाएंगी, एंड दैट्स वेयर पीपल हु आर अर्ली कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज अ बेसिक फाइनेंस 101 ऑफ हाउ द मार्केट इज गोइंग टू गो एज पर सर डैनियल मैकओवर। ये मेरी एनालिसिस नहीं है, मैं इतना स्मार्ट होता तो बात ही क्या थी, बट आई बिलीव कि इस एनालिसिस को 2 मिनट के लिए साइड में रख के अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरा सेशनल है और उसके अंदर ही सब कुछ काम नहीं आने वाला है। इसलिए याद भी नहीं है मैंने आखिरी वीडियो कौन सा वाला बनाया है आज। इट्स 10:43 PM, आई नो इट्स वे पास्ट द स्लीपिंग टाइम, वे वे पास्ट। आई शुड नॉट हैव स्टेड अप। अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप कॉल होनी थी बिटवीन अ कपल ऑफ कंपनीज, लेट्स जस्ट से, एंड उसके अंदर आई वाज आल्सो एडेड। नोबडी शोज अप एक्सेप्ट वन अदर गाय एंड मी। Guess who closed a client in a call that was actually not even meant for it? लेकिन उसका प्राइस मुझे पे करना पड़ गया कि आई हैड टू स्टे अप फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एंड उसने खुद ही मुझसे पूछा था, ऐसी बात नहीं है ठीक है कि आप यू कैन नेवर सेल एनी थिंग टू एनी वन जिसको उसकी इनिशियली जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन ओनली प्रूव दैट यू आर वर्थ इट, यू कैन ओनली प्रूव कि हाँ यू कैन डू इट विद अदर पीपल, एंड दैट्स दी ओनली वे द क्लाइंट्स आर गोइंग टू कम टू यू। आप किसी को भी ऐसा नहीं खरीदवा सकते कि उसको जरूरत ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं, आप जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बट यू कैन पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन, पुट योर सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ पे थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल फॉर यू। सो दैट्स हाउ इट इज, एंड 10:43 PM हो गया है, एक प्रैक्टिकल अब भी लिखना है। 15 तो गई है, खैर लास्ट डेट उसको चेक कराने की अच्छी बात यह है, एंड डेट शीट आ गई है, 23 से इम्तहान है, 31 तक हैं, और फिर उसके बाद आई गेस डिसर्टेशन की सबमिशन है, उसका वाइवा अभी प्रैक्टिकल का सबमिशन 15 तारीख को है, और फिर उसका वाइवा होगा। तो इट्स जस्ट लाइक बैक टू बैक टू बैक, प्लस रनिंग द कंपनी, तो वो बिल्कुल सर पे इस वक्त प्रेशर है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, दिस इज द लाइफ आई साइंड अप फॉर, सो कांट रियली कंप्लेन टू बी ऑनेस्ट। दिस इज व्हाट हार्ट फील्स लाइक, दैट्स समथिंग आई लाइक टू रिमाइंड माय सेल्फ के हाँ भाई मुश्किल करना था ना, तो भाई यही होता है, मुश्किल चीज़ें ऐसी डिफिकल्ट होती हैं, झेलो से। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इंशाल्लाह, एंड कल उठते हैं सही टाइम पे फिर से, एंड वी विल डू थिंग्स राइट अगेन। टेक केयर।